वेलकम स्टूडेंट इन सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फसल उत्पादन और मैनेजमेंट मीनिंग एनिमल हस्बेंड्री पशु कृषि फर्म क्रॉप फसल फर्टिलाइजर उर्वरक इरिगेशन सिंचाई सोविंग बुआई वीड्स खरपतवार विनोइंग फटकना ट्रिमेंडसली भयंकर रूप से रिप्लेनिशमेंट पुनःपूर्ति करना कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र स्टोरेज भंडारण आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए क्वेश्चन 1 गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए ए खरीफ क्रॉप कॉटन माइज सोयाबीन कपास मक्का सोयाबीन रबी क्रॉप वीट ग्राम पी गेहूँ चना मटर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर उर्वरक और खाद में क्या अंतर है उसका एक्सप्लेन कीजिए नंबर 1 है फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सोइल फर्टिलाइजर एक मानव द्वारा बनाया गया अकार्बनिक सोइल है मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंग एंड प्लांट रिसोर्स खाद को प्राकृतिक सब्सटेंस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि मनुष्य का प्लांट रिसोर्स पौधों से जो हमें सड़े हुए पौधों से प्राप्त और केटल डंग पशुओं के गोबर के द्वारा इनके डीकम्पोजिशन के द्वारा इसको बनाया जाता है फर्टिलाइजर इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज फर्टिलाइजर को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है मैन्योर इट इज़ प्रिपेयर इन द फील्ड मैन्योर को खाद को हम खेत में तैयार कर सकते हैं थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द फील्ड सॉइल फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को किसी भी प्रकार के ह्यूमस प्रदान नहीं करता है मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ द सॉइल खाद जो है वो मिट्टी को कई प्रकार के या बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस प्रदान करता है जो कि हमारे प्लांट क्रॉप के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं फोर्थ फर्टिलाइजर एक्सेसिव यूज ऑफ दोज डैमेज सॉइल एंड क्रॉप यदि हम फर्टिलाइजर का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो उससे हमारी फसलें खराब हो जाती है गल जाती है और उनका नुकसान हो जाता है मैन्योर खाद वेजिटेबल फ्रूट्स एंड क्रॉप्स आर सेफ खाद को यदि हम बहुत अधिक मात्रा में भी उपयोग करते हैं तो उससे सब्जियों को फलों को और फसलों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और वो हर तरह से सुरक्षित रहती है क्वेश्चन नंबर 3 इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस यदि हम गेहूं को खरीफ सीजन या खरीफ की फसलों के साथ बो देंगे तो क्या होगा आंसर खरीफ क्रॉप नीड ए लॉट ऑफ रेनफॉल व्हीट एज नीड्स विंटर सीजन खरीफ क्रॉप्स को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है जबकि गेहूं को ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है एंड नॉट हैवी रेनफॉल न कि बहुत अधिक पानी की सो इफ व्हीट वेयर सोन इन खरीफ सीजन यदि हम गेहूं को खरीफ फसलों के साथ बो देंगे तो द क्रॉप विल डैमेज तो हमारी फसलों का नुकसान हो जाएगा ड्यू टू हैवी रेनफॉल एज वेल एज कलेक्शन ऑफ वाटर इन द फील्ड तो ज़्यादा बारिश के कारण खेतों में पानी भरा हुआ रह जाएगा और उससे फसल का नुकसान हो जाएगा क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड यदि हम कंटिन्यूस प्लांटेशन या लगातार पौधों फसलों का प्लांटेशन करेंगे तो हमारी मिट्टी पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा किस प्रकार से वो अफेक्टेड हो जाएगी आंसर सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप न्यूट्रिएंट्स और
इसेंटियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। फसलों की उचित वृद्धि और उचित विकास के लिए फसलों को बहुत अधिक न्यूट्रिएंट या खनिज तत्वों की, मिनरल्स, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो कि उसको मिट्टी से प्राप्त होते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सोइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। यदि हम कंटिन्यूस लगातार फसलों को बोते रहेंगे तो मिट्टी कमज़ोर पड़ जाएगी और उसमें खनिज तत्वों की कमी हो जाएगी। टू अवॉइड दिस मेथड टू क्रॉप रोटेशन इन एडॉप्टेड, तो हमें इस मेथड को अवॉइड करना चाहिए और क्रॉप का, फसलों का रोटेशन करते रहना चाहिए। विच मेंटेनेंस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सोइल इन फील्ड, तो मिट्टी में खनिज तत्वों की का मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए हमें फसलों को रोटेशन में बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर वीड्स, खरपतवार क्या है, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। आंसर, वीड्स आर अनडिजायर्ड प्लांट विच आर ग्रोथ एमोंग क्रॉप प्लांट। वीड्स या खरपतवार जो है वो एक प्रकार से अवांछित पौधे होते हैं जो कि हमारी फसलों के बीच में वो वृद्धि कर लेते हैं या बीच में उग जाते हैं। दे एब्सॉर्ब वाटर, न्यूट्रेंट, स्पेस एंड लाइट ऑफ द क्रॉप प्लांट, तो वे हमारी जो मुख्य फसल रहती है उसको मिलने वाले पानी, खनिज, जगह और प्रकाश सबका अवशोषण वो भी करते हैं, उससे हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ता है। देयरफॉर देयर रिमूवल फ्रॉम द फील्ड इज मस्ट, इसलिए हमको उनको खेतों में से हटा देना चाहिए। वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण, द वीड्स मे बी रिमूव मैन्युअली बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, खरपतवार को हमें हाथ से उनके बीज अंदर फ्लावर एंड सीड्स, फूल और बीज आने के पहले ही उनको हाथ से हटा देना चाहिए। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेटिसाइड, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए मार्केट में कुछ केमिकल्स या केमिकल वाले स्प्रेइंग वेटिसाइड खरपतवार नाशी मिलते हैं जिनका कि हमें फसलों पर छिड़काव करते रहना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप, एक ही प्रकार के पौधों की एक बड़े, बहुत बड़े पैमानों पर खेती करना उसको हम कहते हैं फसल। बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड, खेत में फसल को बोने से पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है। सी, डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। डी, फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल आर इसेंटियल, फसलों की उचित वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और आवश्यक खनिज तत्व मिट्टी से मिलते हैं।